पहले से जय महाराष्ट्र पब्लिक। मागचा ब्लॉग तुम्ही बघितलात असत अयोध्या दर्शनचा, तर आम्ही आता अयोध्या स्टेशनवर आहे, चाललोय वाराणसीकडे। तर वाराणसीचा हा ब्लॉग स्टार्ट होत आहे आणि वाराणसीचा सगळा सारा ब्लॉग हिंदीमध्ये असणार आहे, कारण की आपले जे मित्र कंपनी बोलले की भैया हिंदी में बनाओ हम भी देखेंगे, तो मतलब सब दोस्त लोग की एक फरमाइश हिंदी में ब्लॉग कर लेंगे वाराणसी का। सॉरी गाइस, ये ब्लॉग एडजस्ट कर लीजिए हिंदी में। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। आप अभी देख सकते हैं डांडो बोलने का मन। हम अभी अपना सब काम निपटा के जा रहे हैं बाहर, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना पहला ब्लॉग हिंदी में, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा होगा तो संभाल लेना मेरा भाई। वाराणसी स्टेशन से का बाहर का नज़ारा देख सकते हैं तुम सब लोग। ओ आप देख सकते हो इधर तो इधर हमें अभी ऑटो मिल गया है मनकिरनी का घाट का। अभी हम जा रहे हैं हमारे सफर में यूपी। तो पब्लिक हम अभी जा रहे हैं मनकरनी का घाट। तो मनकरनी का घाट की थोड़ी बहुत विशेषता हमारे अंकल जानते तो बता रहे हैं, मतलब उनकी थोड़ी इंफॉर्मेशन बताओ ना अंकल। मणिकर्णिका घाट जो है हजारों वर्ष पहले आग लगी हुई है, वो आग आज तक कभी बुझी ही नहीं, मतलब हमेशा वहाँ पे लाते वेटिंग में ही रहती है, वहाँ के श्राप है हमेशा। अभी भी होगी इतने सुबह? आज भी वहाँ पे 24 घंटे लाश जलती रहती हैं, वहाँ की लाते कभी ठंडी नहीं होती हैं। कितना भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने पानी पड़े कितने पत्थर पड़े, वो आग बुझने वाली नहीं है। अरे तो गजब। वहीं पे काफी करवट है। अच्छा, अभी उधर हमको और कुछ देखने के लिए मिलेगा? हाँ, वहाँ पे बहुत सारी आप वहाँ पे देखने को मिला, वहाँ पे अघोरी लोग आपको मुलाकात होगी। अघोरी लोग? और महाशिवरात्रि पर भस्म की आरती होती है जो चीते से खेली जाती है। हाँ, चीते की आरती होती है। अच्छा। भस्म की गोली खेली जाती है। अच्छा, प्राचीन नगरी है काशी विश्वनाथ। पुराने सभ्यता के लोग मिलेंगे आपको, पुराने लोग मिलेंगे, मतलब कुछ ख्यालों के पुराने ख्याल जो अपने सनातन को आगे बढ़ा सके। अच्छा, वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा है, माता विशालाक्षी है, काशी विश्वनाथ है, काल भैरव मंदिर है। अच्छा, 500 मीटर के रेंज में, किलोमीटर के रेंज में सभी मंदिर आपको मिलेंगे। और वाराणसी शहर जो है सब पास पास है। हाँ, वाराणसी शहर जो है ना वो मंदिर और घाट के लिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इधर रेलवे स्टेशन से और मनकरनी का घाट तक जाने में 20 पर सीट 20-20 रुपए लिया गया है। इधर कौन से प्रकार की ज्ञान बाकी मस्जिद जो थी अब वो मंदिर के रूप में विख्यात हो गई है। अच्छा, अब वो मंदिर बन गई है। अच्छा, उसमें भी पूजा गौरी गणेश का पूजा होने लगी है। 31 साल बाद उसमें पूजा किया गया, उस पर बैन लगा हुआ था। तो पब्लिक ब्लॉग में कंटिन्यू रही है, हम जल्दी से जल्दी मनकरनी का घाट में पहुंचने वाले हैं। आगे इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है, अंकल ने हमको बता दिया है, तो हम बहुत मतलब बहुत उत्सुक है। जो है ना यहाँ के खाने पीने का शौकीन है, खाने पीने का शौकीन है बनारस के लोग। बनारस नाम पड़ा, बनारस के लोग वाराणसी नाम जो पड़ा है वो शास्त्री घाट वरुणा नदी के 80 घाट तक वाराणसी पड़ा, वरना नदी से 80 घाट तक वाराणसी। चलो पब्लिक, अब काशी तो इसलिए है क्योंकि वो तो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होने वाला है, महादेव के त्रिशूल पे टिकी है काशी।
काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, काल भैरव मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई स्मारक आप देख सकते हैं। अभी इधर से सीधा जाने का है अपने को। देख सकते हैं आप लोग, अभी रुको, अभी तो आए, देखेंगे नजारा आपको। देखिए स्नान हो जाएगा, घाट घुमा के मंदिर छोड़ देगा। अच्छा, 40 घाट पड़ेगा उसमें। 40 घाट? रुको, कितने लोग? कितने लोग हैं ये क्या है? ये तो आ रहा है। सवारी में जाएंगे? पर्सनल सवारी? सवारी 50 पड़ेगा। ये आ रहा है, आ रहा है, 250 पड़ेगा सेटिंग। फिर भाड़ा याद नहीं। अभी देख सकते मन करने का घाट का नजारा। हमें हमारी बोट मिल चुकी है, तो हम बोट में बैठकर उस पार जाने वाले हैं। सही है ना? बहुत बहुत सारे हिंदी फिल्म में ये नजारा देखने के लिए मिलता है अपने को। बहुत सारे, कौन सी हिंदी फिल्म में? कोई जान, मतलब जान पहचान वाली? रांझना में भी मिलेगा आपको। मन मंदिर घाट फाइनली सेफ्टी गार्ड दे रहे हैं हमें। तो पहन लो, आपको तैरना नहीं आता ना? ले लो। हमारे नवाब ड्राइविंग के लिए बैठ गए हैं। तो हम जब पिछली बार इधर मुरुड जंजीरा के लिए गए थे, तो उस नाम का, उसका, उस बोट का नाम अमानत था। अमानत, उसका कुछ नाम नहीं बताया उन्होंने। एक वो नहीं, मगरमच्छ है क्या? नहीं रे, फिर दिखाई तो फुगा था क्या? मगरमच्छ है मुझे लगा मगरमच्छ है यार। चलो नवाब शरीफ निकल पड़े, हम चले हम सफर, हमारे सफर में। उधर चाय पानी, चाय पी रहे चाय। सामने मन करने का घाट, इधर हमारे अंकल ना आ चुके हैं अब, और चाय पीने का मजा ही कुछ है। और चलो ये देख सकते हैं इधर पब्लिक, हमारे अंकल और हर्षल बैठे गए ऊंट पे, अभी उनके सवारी करने वाले हैं। उधर तक सवेरी रहती है, तो हमारे अंकल ने बहुत अच्छा हमको सर्विस दिया। सर, अंकल आपका नाम? ब्रिजमोहन यादव। तो आप मिल सकते हैं ब्रिजमोहन यादव अंकल से। तो अंकल मतलब बहुत अच्छे अंकल है, हमको बहुत अच्छी सी सवारी कर दिया था। उधर से उधर उस पार तक लेकर आ गए, हम इधर तक आ गए थे। इन्होंने बहुत मजा लिया उनका। और सवारी का थोड़ा चार्ज बता दो अंकल। 200 से लेकर 400। और कितने बंदों के लिए? दो बंदों के लिए 200 से लेकर 400 तक सवारी होती है। इधर पूरा नजदीक वो देख सकते हैं आप, ऊंट दिख रहा है आपको उधर तक, मतलब बहुत दूर तक घुमाते हो। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इधर देख सकते हैं मैं कृष्णा पे सवार हो गया है ब्रिजमोहन यादव अंकल ने। तो कैसे नॉक करने तो कैसा खड़ा हो जाता है हमारा कृष्णा पड़ेगा मुझे मेरी पहले से फटी पड़ी है। अभी आप देख सकते हैं मैं कृष्णा पे सवार हो गया था, उधर लंबा जाके आया मैं उधर से, और हमारे अंकल ने हमें बहुत हेल्प किया। कभी आएगा मन करने का घाट के बाजू में हमारे अंकल का ऊंट रहता है, तो उस पे सवार हो जाइए। 200 या 400 रुपए सवारी लेते हैं, बहुत अच्छे से घुमाते हैं। थैंक यू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। कैसे गए थे? चिंग चौंग चांग चिंग चौंग चिंग चांग सौ फा
आप देख सकते हैं यहाँ भोले बाबा का मंदिर आग बाहर निकला हुआ है। दिस इज मनी चार्ज 10 rupees 20 rupees देन सीन दिस सर यस कर्णिका ललिता घाट पर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इधर अमीर हो गरीब हो ऊंची जात का हो नीची जात का हो आखिर में यही आना है यही आना आज इस मिट्टी के ऊपर है कल इस मिट्टी के नीचे जाना है सबकी राख हो जाएगी इधर रामेश्वर भवन बहुत सारी भीड़ है इसीलिए मैं नहीं गया। सब दर्शन होने के बाद हम इधर खाना खाने के लिए आ गए। दाल चावल सब्जी पापड़ हमें मिल गया है और हम आगे मनकर्णी का घाट और टेंपल का अच्छे से दर्शन होते हुए खाना भी ना खा के हम लोग चले हैं हमारी नेक्स्ट सफ़र पे। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे है नई नई वीडियो के लिए मतलब आज हिंदी ब्लॉग निकाला तर हिंदी ब्लॉग काढला आहे काही मिस्टेक वाटले असेल तर मला माफ करा आणि आपल्याला आपल्या ब्लॉगमध्ये असंच कंटिन्यू राहा लवकरच नवनवीन गोष्टी बघायला भेटणार आहे। तब तक के लिए पब्लिक जय महाराष्ट्र।